हेलो गाइस, वेलकम माय यूट्यूब चैनल फैमिली द रॉट व्हीलर। तो यहाँ आप लोग देख सकते हैं जेरी को। जेरी घूम कर आ गई है, जेरी घूमने जाती है उधर ही सुसु पोटी करती है, अब आराम कर रही है, थक गई है। तो मैं जेरी को आराम करने देती हूँ और मैं चलती हूँ, खाना बना रही हूँ तो किचन में देख लेती हूँ। तो यहाँ देखिए चावल बन रहा है, इसमें दाल है, दाल बन रहा है, यहाँ पे आटा गुना कर रखा गया है, सब्जी बनेगा आलू परवल का भुजिया। इधर राजमा मैं भी उबो कर रखी हूँ, राजमा बनाऊँगी। तो पहले दाल चावल हो जाएगा, उसके बाद सब्जी बनाऊँगी और फिर उसके बाद रोटी और राजमा एक तरफ रख लूँगी, सब्जी रख लूँगी पहले, सब्जी पहले बनेगा राजमा बाद में, क्योंकि पापा जी को ऑफिस जाना होता है और वो राजमा खाते नहीं है, तो उन्हीं के लिए सब्जी है। तो आगे मिलते हैं आप लोग से। तो यहाँ देखिए दाल हो चुका है, मैं कढ़ाई रख दी हूँ और अब बनाऊँगी सब्जी। तो यहाँ मैं तेल डाल चुकी हूँ, अब मैं डालूँगी इसे पंचफोरना, फिर उसके बाद मिर्च डालूँगी, मिर्च थोड़ा हो जाएगा, तो मैं प्याज डालूँगी, प्याज थोड़ा सुनहरा हो जाएगा तो मैं इसमें परवल डाल दूँगी, तो जल जाएगा ज़्यादा प्याज को लाल करूँगी तो। परवल भूनना है, आलू भूनना है, आलू मैं बाद में डालूँगी, तो परवल काफ़ी अच्छा रह जाता है, परवल थोड़ा लाल हो जाएगा, गल जाएगा, उसके बाद मैं आलू डालूँगी। दाल हो गया है तो दाल को मैं दूसरे बर्तन में रख दूँगी और कुकर में मैं राजमा बॉईल करूँगी। तो यहाँ देखिए मैं पानी डाल चुकी हूँ राजमा में और मैं इसको अब रख दूँगी चूल्हा पे, चावल हो जाएगा तो चूल्हा खाली होगा तो बॉईल होने के लिए 5-6 सीटी लगेगा फिर हो जाएगा। तो यहाँ मैं रख दी हूँ कुकर, इसमें है राजमा और इधर परवल अब भून चुका है थोड़ा थोड़ा, तो मैं आलू धो रही हूँ, आलू धोकर मैं डाल दूँगी। तो यहाँ देखिए मैं आलू डाल दूँगी इसमें धोकर और मैं इसको बना रही हूँ। तो राजमा को मैं बॉईल होने देती हूँ, सब्जी हो रहा है तब तक मैं प्याज काट लेती हूँ और मसाले की तैयारी कर लेती हूँ। तो आगे मिलते हैं आप लोग से। तो यहाँ देखिए राजमा बॉईल हो चुका है और मैं इसको अब निकालूंगी। मैं इसको पलट दी हूँ और मैं यहाँ पर प्याज रखती हूँ छील कर काटने के लिए, मसाला भी पीस कर रखती हूँ, तो मसाले में थोड़ा सा और कुछ डालना है तो मैं डालूँगी। और इधर परवल की सब्जी में हल्दी और नमक डाल दी हूँ और इधर तवा रखती हूँ रोटी बनाने के लिए, तो मैं अब बना लूँगी उसके बाद राजमा बनाऊँगी। मेरी उधर अभी सोई है तक मैं काम कर लेती हूँ अपना। तो देखिएगा इस सब्जी हो चुका है, इधर रोटी भी हो चुका है और मैं राजमा बना रही हूँ। राजमा में मैं तेल डाली हूँ पहले, फिर उसके बाद जीरा और तेज पत्ता डाली हूँ, थोड़ा सा लाल हो गया था वो, फिर उसके बाद मैं प्याज डाली हूँ, प्याज डाल के मसाले में तैयार कर चुकी हूँ। मसाले में है लहसुन, मिर्च, धनिया, जीरा, काली मिर्च और हल्दी, नमक मैं बाद में डालूँगी और गर्म मसाला मैं पीस कर डाली हूँ, चीज़ खड़ा नहीं डालूँगी, तो मेरे घर वालों को पसंद नहीं है, मैं खाना जाता है तो इसीलिए मैं पीस कर डालूँगी। तो ब्लॉग में बने रहिए आप लोग। तो यहाँ प्याज गल चुका है और मैं इसमें मसाला डाल चुकी हूँ और नमक भी डाल चुकी हूँ, मसाला भुना जाएगा उसके बाद मैं डालूँगी राजमा। उसके लिए गाइस मसाला हो चुका है, अब मैं इसमें राजमा डाल चुकी हूँ, पानी भी डाल चुकी हूँ और कुकर में बंद कर दूँगी, 3-4 सीटी लग जाएगा, फिर उसके बाद मैं गैस बंद करूँगी। यहाँ पे राजमा बन गया है, अब मैं जा रही हूँ जेरी को देखती हूँ जेरी क्या कर रही है। तो देखिए जेरी यहाँ पे सोई है, बेड के नीचे आकर सो गई है, तो मैं जेरी को अभी सोने देती हूँ। गाइस जेरी सोकर उठ गई है और जेरी को मैं अब खाना खिलाऊंगी, जेरी नीचे सोई थी बेड के नीचे। तो देखिए जेरी बेड के नीचे, तो जेरी बेड के नीचे जाकर सोई थी और मैं इसको उठा कर लाई हूँ बेड पे, अब मैं जेरी को खाना खिलाऊंगी,
खाने में आज देखिए क्या खाएगी जेरी। खाने में आज जेरी खाएगी दही और रोटी। तो दही रोटी जेरी को मैं खिला दूंगी, उसके बाद जेरी जाएगी खेलने, थोड़ा सा खेल लेगी, खाना खा कर जाती है घूमने इधर उधर, तो घूम फिर कर आएगी तो फिर सोएगी। तो ब्लॉग में बने रहिए, मैं खाना लाती हूँ इसका। तो देखिए यहाँ पे दही है, मलाई वाला दही लाई हूँ मैं जेरी के लिए, और ये रहा रोटी, चार रोटी लाई हूँ अभी, ताज़ी रोटी है। तो जेरी को मैं रोटी और दही खिलाऊंगी। पापा जी ऑफिस जा रहे गए हैं तो आज खाना लेकर नहीं गए, मैं उनके लिए खाना पैक कर रखी थी और वो लेकर नहीं गए, तो कोई और काम था इसलिए नहीं लेकर गए हैं। तो जेरी इधर आ गई है, तो मैं जेरी को अब खाना खिलाऊंगी। थोड़ा मशीन में मैं कपड़ा डाल रखी हूँ तो हो गया है, धुला गया है कपड़ा, तो मैं उसको निकाल दे रही हूँ, उसके बाद मैं जेरी को खाना खिला देती हूँ, 2 मिनट लगेगा बस। तो जेरी को आज मैं सुबह में मलाई दी हूँ, चाय बनाने जा रही थी तो दूध में मलाई था, तो जेरी का मन था मलाई खाने का, के डर से जाकर कहाँ बैठी है कि मम्मी नहीं खिलाएगी, तो जेरी को तो खाना खिलाना है, तो मैं अब ले जा रही हूँ जेरी के पास और जेरी को मैं खिलाऊंगी। खाएगी नहीं लेकिन ज़बरदस्ती खिलाऊंगी, थोड़ा नाटक करती है खाना खाने में। तो गाइस आप लोग कमेंट में बताइएगा कि डॉग को मलाई खिलाना चाहिए या नहीं। मैं तो खिलाती हूँ इसको, पहले मैं रोटी से मलाई खिला देती थी और जेरी खा लेती थी, अब कभी कभी देती हूँ, हमेशा नहीं, कभी जेरी का मन रहता है खाने का तो वो आती है मेरे पास किचन में, तो मैं जेरी को दे देती हूँ। तो मैं जेरी को चलती हूँ खाना खिलाने। तो दही और रोटी ये रहा, मैं ले लेती हूँ और जेरी को मैं खिलाऊंगी, लेकिन खाती है या नहीं, नाटक कर रही है अभी। तो देखिए मैं खिला रही हूँ, तो देखिए गाइस खा ली जेरी, जेरी को अच्छा लग रहा है, खा रही है, पहले थोड़ा सा नाटक करती है फिर उसके बाद खाती है। तो एक और बाइट में लाई हूँ दही और रोटी, तो जेरी को मैं फिर खिला रही हूँ। नो बेटा नो, जिद नहीं, मामा की बात मानना चाहिए बेटा। तो देखिए मैं इसके मुंह में डाल रही हूँ और जेरी खा ली, बहुत अच्छा बाबू है मेरा, खा लिया। तो देखिए खाना फिनिश हो गया, बाबू मेरा खा, तो मैं बाबू को खिला के, यहाँ है मेरा बेटा, फिनिश कर दिया। अब इसमें थोड़ा सा दही है तो बाबू चाटेगा दही को, बर्तन साफ कर देता है बाबू दही चाट कर। तो बाबू आज खा लिया है, बाबू आज ज़्यादा जिद नहीं किया है, तो आप लोग देखते हैं ना ब्लॉग में मैं कैसे खिलाती हूँ, कितना मुश्किल से इसको। जेरी बार्क कर रही है। तो देखिए गाइस जेरी घूम कर आ गई है, खाना खा कर गई थी बाहर घूमने, और घूम कर आ गई है, अभी आराम कर रही है, छत पे गई थी तो आज सुबह में पोटी नहीं की थी तो अभी की है छत पे, मैं अभी साफ करके आई हूँ। और जेरी यहाँ पे देखिए अब सो रही है, जेरी को आ रहा है नींद, तो मैं जेरी को सोने देती हूँ, सोकर उठेगी फिर उसके बाद मैं जेरी को छत पे ले जाऊंगी और थोड़ा सा खेलेगी, खेलना होगा तो, नहीं खेलना होगा तो घूम लेगी और घूम कर आ जाएगी। तो ब्लॉग में बने रहिए आप लोग। गाइस शाम हो गया है और जेरी को आज मैं छत पे नहीं ले गई हूँ, देखिए कितना ऊँचा जंप की है, तो आज मैं छत पे नहीं ले गई क्योंकि आज बारिश हुआ है और बारिश में जाएगी तो कीचड़ उचड़ पोत लेगी सारा अपने देह में, इसलिए मैं नहीं ले गई हूँ छत पे। तो नीचे अभी खेल रही है अपने चाचू के साथ, देखिए कैसे खेल रही है। तो मैं जेरी को खेलने देती हूँ, ब्लॉग को मैं करती हूँ यहीं पे एंड, फिर मिलेंगे न्यू ब्लॉग में। तो अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। बाय गाइस।